जबलपुर के मिहान दहेगांव स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शैक्षणिक वर्ष 2021 से 23 इन दो वर्षों की फीस 13,75,000 रुपए है। इसके अलावा विद्यार्थियों को 2 साल के लिए 2 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च आता ही है। SC, ST, OBC और अन्य संवर्ग के विद्यार्थियों को फीस में रियायत नहीं मिलती है, उन्हें भी उतनी ही फीस भरनी पड़ती है। इससे गरीब और सामान्य विद्यार्थी इतनी अधिक फीस भरकर IIM में शिक्षा कैसे लेगा, यह सवाल पैदा हो गया है। नागपुर IIM को शहर के गौरव के रूप में देखा जाता है। यह बात सही है कि IIM से डिग्री लेते ही सभी विद्यार्थियों को लाखों रुपए का सालाना पैकेज मिलता है। शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थियों को बैंक कर्ज भी देते हैं। इसके बाद भी अनेक गरीब और सामान्य विद्यार्थी 13,75,000 रुपए की सर्वाधिक फीस रचना के कारण मैनेजमेंट शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कॉलेज केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत है। कॉलेज के संचालन के लिए उसे केंद्र सरकार से सालाना फंड मिलता है। इसके बाद भी विद्यार्थियों को रियायत न मिलने के प्रति आश्चर्य जताया जा रहा है। नारी रोड निवासी एडवोकेट संगीता थूल को RTI के तहत IIM की फीस में सालाना हुई दर वृद्धि की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अनुसार पहले 2015 और 16 में कॉलेज की 2 साल की फीस 10 लाख रुपए थी और 2021 से 23 में यह 3,75,000 रुपए बढ़कर 13,75,000 रुपए हो गई है। हालांकि फीस रचना के लिए क्या नियम है, इसकी जानकारी कॉलेज ने उन्हें नहीं दी। IIM नागपुर की केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी प्रीति घसाण ने केवल इतना जवाब दिया है कि यह जानकारी सार्वजनिक करना संभव नहीं है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।